हेलो दोस्तों, लेट्स बी हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जाएंगे पाटन रानी की वाव गुजरात। इसका टाइम है सुबह 8 o'clock से शाम 7 बजे तक, और उसकी एंट्री टिकट है इंडियन के लिए है 40 rupees और फॉरेनर के लिए है 600 rupees। पाटन रानी की वाव आप किस तरह पहुंचेंगे? तो पाटन से नियरेस्ट एयरपोर्ट है अहमदाबाद, जो 125 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसका नजदीक का रेलवे स्टेशन है मेहसाणा, और अहमदाबाद से पाटन तक की बसें भी चलती हैं। गुजरात के पाटन में स्थित इस प्रसिद्ध बावड़ी को रानी की वाव भी कहा जाता है। कहते हैं कि रानी की वाव का निर्माण सोलंकी राजा वंश के राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने करवाया था। रानी की वाव सरस्वती नदी के तट पर है। देखो, अब हम पाटन रानी की वाव में प्रवेश कर चुके हैं। प्रवेश करते ही सामने ही आपको बहुत बड़ा गार्डन चारों तरफ मिलेगा। बहुत अच्छी से गार्डन को मेंटेन किया गया है और यहाँ पे शांति भी बहुत है। आज मैं इस वीडियो में आपको रानी की वाव की पूरी हिस्ट्री एक गाइड के साथ कराने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मेरे इसी चैनल पर आपको मोढेरा सन टेम्पल का 3D and Diet एंड साउंड शो, अहमदाबाद गांधीनगर से वन डे पिकनिक टूर और दूसरी अलग टूरिस्ट प्लेसेस की आपको वीडियो मिल जाएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना गाइस, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको ये वीडियो एक गाइड के साथ ये पाटन रानी की वाव की पूरी हिस्ट्री आपको इसमें दिखाऊंगी। ग्यारहवीं शताब्दी के लास्ट क्वार्टर में तो 1000 ईयर ओल्ड है। ज्यादातर राजा अपनी रानी के लिए बनाएगा, लेकिन यह बिल्कुल उल्टा है। रानी उदयमती ने अपने हस्बैंड भीमदेव सोलंकी फर्स्ट की याद में बने उनकी मृत्यु के बाद तो प्रेम का एक प्रतीक माना गया, लव सिंबल माना गया है। अब रानी ने वाव क्यों बनवा, इसका दो रीजन है। तो आप राजस्थान और गुजरात में घूमेगा तो आपको स्टेप वेल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ वाटर स्टोर करके लोगों को पानी पीने के लिए मिले। सेकंड रीजन है कि उनके हस्बैंड का कीर्ति अमर रहे और प्रेम का एक प्रतीक बनाने से स्टेप वेल बनाया गया है। आपने 100 रुपये का नया नोट देखा, 100 रुपये का, इसके पीछे रानी का वाव का सिंबल है। तो क्यों दिया गया है, तो हमेशा नारी का सम्मान बढ़े, नारी का गौरव बढ़े, स्त्री सशक्तिकरण हो, वुमेन पावरफुल बने, लेडीज फर्स्ट। दूसरा रीजन है वाटर हार्वेस्टिंग, पानी का बचाव करना चाहिए, इसलिए 100 के नोट के पीछे सिंबल दिया गया है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाएगा तो सरस्वती नदी आएगा, फिर लुप्त हो गया, लेकिन 13th century में सरस्वती रिवर में बिग फ्लड आया था, इसमें पूरा सेक्टर फ्लड में दब गया था, केवल पीछे का कुआं ही खुला था। ये कल्कि भगवान है, घोड़े के पैरों के नीचे दुष्टों को मार रहे, पैरों में हॉल बूट गमबूट पहना हुआ है, हाथों में तलवार है, दांत में साधक का, दासी के कटोरे में अमृत डाल दिए, ऐसा कल्कि उतार भविष्य में होगा। ये महिषासुर मर्दिनी दुर्गा माता लायन पैसे को मारा है, माता जी ने राक्षस को चिशु मारा, उसकी चोटी पकड़ा है, वो अपसा आईने के हरिंग करे, उसका हरिंग बता रही है, वो साधु महात्मा योगी योग करे, बीच में विष्णु अप्सरा बांसुरी बजा रही है। आपका मूड नहीं अच्छा, संगीत सुने ना तो आपका मूड चेंज होगा, क्योंकि संगीत में इतना पावर है। ये कटोरा कार्य का डिजाइन है, ये राम अवतार है, धनुष से बाण चलवा ढाल का कार्य, वामन अवतार है, हाथ में चाहता एक माला है, ये विष्णु जी का वराह अवतार है, वराह मीन फेस्ट होल, शिव का अवतार गोली माता हाथ पर बैठी हुई है, ये विष कन्या उसके हाथ के पास सांप है, देखा बाद में के वो बहुत सारे हाथ है, वो काल भैरव है, उनका एक डॉग होता है, पेड़ में डॉग है, उज्जैन में काल भैरव जी का टेम्पल है, वो साधु महात्मा है, बीच में विष्णु विष कन्या उसके हाथ में सांप है। आइए और भूमि और पाताल, वो पाताल में सोते विष्णु दिख रहे हैं, इसके नीचे कुआ है, क्या है कुआ, ये कुंड है, कुंड में स्टेप वाला है, पहले कुएं में चरा था स्प्रिंग वाटर, कुएं में से स्प्रिंग वाटर ओवरफ्लो के नीचे से आगे कुंड में आता था बारिश का पानी,
कुंड और कुंड दोनों में जमा होता था। लोग स्टेप उतर के कुंड में जाके प्यासे लोग दोनों ऐसे पानी पीते थे, लेडीज मटका भर के ले जा सकते थे और विष्णु भक्त विष्णु जी को जल चढ़ा के प्रे कर सकते थे। उनको अंदर रस्सी बर्तन का जरूरत रहता नहीं था, इसलिए रानी ने वहाँ इतना स्टेप के साथ गहरा बनाया, इतना नक्काशी वाला है, इसलिए भारत का फर्स्ट नंबर का वहाँ माना गया। जो यूनेस्को में गया, यहाँ का वाटर लेवल नीचे चला गया तो पानी निकलेगा नहीं, बारिश आ गया तो उसका पानी एक महीना दो महीना तीन महीना कुएं में लेकर सूख जाएगा। अभी कुएं में थोड़ा सा पानी है। ये आडी लाइन में लेडीज थ्री फेस से दाढ़ी वो ब्रह्मा ब्रह्माणी जी के साथ, सेकंड चाचू शिव पार्वती नंदी, थर्ड चाचू विष्णु के लक्ष्मी जी के साथ, और सामने के राइट साइड में सुंड टूटा है गणेश जी, उनका दो पत्नी होता है रिद्धि जी सिद्धि जी, दोनों से एक के संग है। बीच में महालक्ष्मी और तीसरे कुबेर उनके वाइफ के साथ, उनका विकल हाथी होता है, पैर के नीचे हाथी है, आज भी अपने घर में धन का तिजोरी होता है, उसका फेस नॉर्थ में रखता है। कुबेर का पहचान होता है उसका पेट थोड़ा बड़ा होता है। अब सात मरला कैसे बताए, देखो ऊपर ये दो मंजिलें टूट गई है, तीसरा फ्लोर फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन, पांच मंजिलें ही अभी बची है। पाटन में रानी की वाव की दीवारों पर आपको भगवान विष्णु की मूर्ति की प्रतिमा दिखाई देगी, जैसे कि देखो ये है शेषनाग पर विश्राम करते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा। यहाँ पे तीन लोगों जैसे कि स्वर पाताल और भूमि, तीनों में भगवान विष्णु की प्रतिभा आपको दिखाई देगी। एक स्वर्ग में सोते हुए विष्णु है, एक पाताल में सोते हुए विष्णु है, एक एक पृथ्वी में सोते हुए विष्णु, तीनों तीन मंजिलों पर आपको इस तरह भगवान विष्णु की प्रतिमा दिखाई देगी। ये पाटन रानी की वाव की पूरी रचना एक उल्टे मंदिर के समान है, जहां अंतिम स्तर या कोर पानी से भरा हुआ है, इसे देवताओं के समान पवित्र माना जाता है। सबसे खूबसूरत विशेषता इसकी दीवारों और खंभों पर 1500 मुखिया है, चाहे बड़ा या छोटा प्रत्येक टुकड़े में एक ऐसे ही मूर्ति शामिल है। तो यही चीज उन्हें रानी की वाव का प्रमुख आकर्षण बनाती है। अब आगे देखते हैं हम रानी की वाव का ऊपर से नीचे तक का जो कुआ है सात मंजिल तक का, उसमें कितना पानी है और वो कैसा दिखता है वो मैं आपको यहाँ पे आगे दिखाऊंगी। ऐसा माना जाता है कि लगभग पाँच दशक पहले बावड़ी में औषधीय पौधे और संग्रहित पानी का उपयोग वायरल बुखार और अन्य बीमारी को ठीक करने में किया जाता था, और बावड़ी के सबसे निचले चरण की आखिरी सीढ़ी के नीचे गेट है, जिससे अंदर 30 मीटर लंबी सुरंग है। ये सुरंग सिद्धपुर में जाकर खुलती है, जो पाटन से काफी नजदीक है। देखो ये पाटन रानी की वाव की एंट्री से नीचे तक की सीढ़ियां। ये बावड़ी लगभग 30 मीटर गहरी है, जहाँ की खूबसूरत नक्शा में प्राचीन और धार्मिक चित्रों का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। देखो ऊपर से नीचे तक का कुआ, इसमें इतना पानी है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। और मेरी आपकी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। थैंक यू गाइज़।